आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रेशर कुकर वाले वेज पुलाव की रेसिपी। 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा और हम इसमें कम मसाले इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। साथ में ही मैंने एक रायता भी बताया है जो इसके साथ परफेक्ट जाता है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। प्रेशर कुकर में वेज पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ग्लास बासमती चावल लिया है। आप इसमें किसी भी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बासमती बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और दिखने में भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने बासमती इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे पानी पीने के ग्लास से एक ग्लास मैंने चावल लिया है। अब हम चावल को पानी से अच्छे से धो लेंगे। चावल को हमें पानी में भिगो के नहीं रखना है, बस पानी से धो दे और उसके बाद ऐसे रख दे जब तक कि आपकी बाकी प्रिपरेशन नहीं हो जाए। तो यहाँ पे पानी से 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर ले इसे। तो यहाँ पे मैंने चावल को धो लिया है, अब हम इसे अलग रख देंगे और तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में जहाँ पे हम सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। तो पुलाव बनाने के लिए मैंने सारी सब्जियाँ काट के रखी है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पनीर भी इस्तेमाल किया है, ये इसमें ऑप्शनल है। तो सब्जियों में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज कटा हुआ ले लेंगे, इसके साथ गाजर, यहाँ पे मैंने थोड़े से कॉर्न्स इस्तेमाल किए हैं, आलू लिया है, शिमला मिर्च लिया है, फ्रेंच बीन्स और गोभी। आप चाहिए तो इसमें हरे मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉर्न को स्किप कर सकते हैं। सब्जी आप अपने पसंद की कम या ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल के साथ ही हमें इसमें घी भी डालना है, तो 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच घी डाल दें। घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद हम इसमें एक बड़ी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा सा हम इसमें जावित्री डाल देंगे, इसके साथ 2 सूखे लाल मिर्च और इसके साथ हम 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। लाल मिर्च की जगह आप इसमें हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर दालचीनी और जो जावित्री है वो इसमें ज़रूर डालें। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को ऐसे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। पहले हमें प्याज को फ्राई कर लेना है, उसके बाद हम बाकी सब्जियाँ डालेंगे। तो जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हम इसमें बाकी की सब्जियाँ डाल देंगे। ध्यान रहे पनीर और शिमला मिर्च जो है वो अभी नहीं डालना है। शिमला मिर्च को पकाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है और पनीर ज़्यादा पकाने से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसीलिए हम इसे बाद में डालेंगे। तो सब्जियों को हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। ध्यान रहे कि हमें इसमें सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा सॉफ्ट हो जाए उतना ही पकाना है। तो जैसे ही सब्जी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए हम इसमें ये शिमला मिर्च डाल देंगे और उसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे इसे मिला दें। अदरक और लहसुन को थोड़ा सा हमें पकाना पड़ेगा, नहीं तो उसका कच्चा स्मेल आएगा पुलाव में। तो इसे थोड़ा सा भून जाने दें। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे पनीर। तो यहाँ पर ये पनीर डाल दें। पनीर के साथ ही हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालेंगे। तो 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला डालें। हल्दी, जीरा, धनिया पाउडर इसमें नहीं इस्तेमाल करें। अगर आपको फ्लेवर बढ़ाना है तो आप इसमें थोड़ा सा रेडीमेड बिरयानी मसाला पाउडर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बेसिक बना रही हूँ, मतलब कम मसालों वाला, ताकि हेल्दी हो और खाने में बहुत ही एरोमेटिक लगेगा। तो अब हम इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल को हमने पहले से धो के रखा है। चावल डालने के बाद हम इसे ऐसे मिला देंगे और उसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। अगर आप चावल को ज़्यादा समय तक भिगो के रखेंगे तो वो टूटने लगेगा, इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि 10 मिनट से ज़्यादा उसे पानी से धो के नहीं रखें। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो प्रेशर कुकर में पुलाव या राइस बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि चावल और पानी का जो मात्रा है वो एकदम सही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 ग्लास चावल लिया है, तो उसके लिए जो पानी है वो 1.5 गुना यानी 1.5 ग्लास सेम ग्लास से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कप ले रहे हैं तो 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करें, बस पानी जो है वो 1.5 गुना होना चाहिए। स्वाद के अनुसार नमक या फिर 2 छोटे चम्मच नमक डाल दें। नमक डालने के बाद हम इसे ऐसे मिला देंगे। ध्यान रहे कि अगर आपने सब्जी ज़्यादा इस्तेमाल की है या राइस मोटी वाली इस्तेमाल करें तो पानी जो है वो थोड़ा सा बढ़ा दें। तो यहाँ पे इसे मैंने मिला दिया है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और हाई फ्लेम पे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। 2 से ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है। चावल को हमने सोक किया था पहले, मतलब पानी से भिगो के रखा था, तो चावल जो है वो फटाफट पक जाएगा। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर आपको क्या करना है, 2 सीटी लगाना है। तो यहाँ पर ये पहली सीटी लगी और 1 सीटी आने का इंतज़ार करेंगे। हाई फ्लेम पे 2 सीटी लगाना है। तो ध्यान रखिए कि 1 ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास पानी और हाई फ्लेम पे 2 सीटी। अगर आप राइस भी बना रहे हैं या कोई भी पुलाव बना रहे हैं तो ये माप आप हमेशा ध्यान रखें। 2री सीटी लगते ही गैस को बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को खुद ही ठंडा हो जाने देंगे। तो यहाँ पे गैस को बंद किया मैंने और बीच में इसे नहीं खोलना है, खुद ही ठंडा हो जाने देंगे, मतलब प्रेशर रिलीज़ हो जाने देंगे, उसके बाद खोलेंगे। तो तब तक हम क्या करते हैं ना कि रायता बना लेते हैं। पुलाव के साथ रायता तो चाहिए ना। तो रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची लेंगे, इसके साथ प्याज और ककड़ी डाल देंगे यानी खीरा। फिर हम इसमें ये खट्टी दही डाल देंगे।
दही डालने के बाद हम इसमें नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। आप चाहिए तो इसमें चाट मसाला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दें क्योंकि दही डालने के बाद ये जो है रायता वो बहुत थिक हो जाएगा, तो पानी डाल के इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिन कर ले। तो आप चाहिए तो इस रायते को ऐसे खा सकते हैं या फिर इसके ऊपर थोड़ा सा राई कड़ी पत्ता का तड़का लगा दे तो उससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे मिक्स कर लिया है, अब मैं तड़का आपको दिखा देती हूँ। तो एक बर्तन में एक चम्मच तेल गर्म करें। तेल के गर्म होते ही हम इसमें राई या सरसों डाल देंगे और इसके साथ हम इसमें करी पत्ता और हरी मिर्च डाल देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और जैसे ही करी पत्ता का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए तब तक आप इसे पकाएं। तो यहाँ पे राई जो है वो अच्छे से पक गया है, करी पत्ता का जो कलर है वो डार्क होने लगा है, तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे और इस तड़के को डाल देंगे रायते पे। तड़के वाली जो रायता है वो बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपके पास करी पत्ता नहीं है तो आप सिर्फ राई, हरी मिर्च और थोड़ा सा हींग डाल के ऐसे तड़का लगाएं और ये जो रायता है इसमें आप बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता मिला सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा बनता है। तो ये हमारा रायता तैयार है। अब हम अपना पुलाव चेक कर लेते हैं। तो प्रेशर कुकर यहाँ पर ठंडा हो चुका है, मतलब पूरा प्रेशर ऐसे निकाल दिया मैंने, ये देखिए। और अब हम इसे सावधानी से खोल लेंगे। तो ये हमारा पुलाव जो है खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है और यहाँ पे दिखने में भी एकदम परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि जब भी आप पुलाव बनाएं तो कुकर का ढक्कन खोलने के बाद नीचे के पुलाव को ऊपर कर दें और थोड़ा सा पंखे के नीचे 2 मिनट के लिए रख दें, तो पूरा चावल जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो राइस है बहुत ही अच्छे से पका हुआ है, सारे चावल अलग अलग है, ये देख सकते हैं आप। तो सर्व करने के पहले ऐसे नीचे के चावल को एक बार ऊपर कर दें ताकि वो ओवर कुक नहीं हो, और उसके बाद ऐसे हल्के से स्प्रेड करके आप इसे 2 मिनट के लिए रख दें। तो ये हमारा पुलाव जो है वो बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो है ना, 10 से 15 मिनट में बनने वाली ये पुलाव की रेसिपी है, हेल्दी है और इसके साथ हमने बहुत इजी ये रायता बनाया। तो जब भी आपको ज़्यादा बर्तन धोने का मूड नहीं है या फिर कोई इजी रेसिपी चाहिए और खिचड़ी खाने का मन नहीं है तो आप इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सब्जी आप अपने पसंद की इसमें ऐड कर सकते हैं और बनाने में तो कोई मेहनत नहीं है, प्लस हमने इसमें मसाले भी बहुत कम इस्तेमाल किए हैं। तो आप इस सुपर टेस्टी वेज पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी।